आई होप आप सभी अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो आज है सोमवार और आज तो मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि कुछ काम था, पर्सनल इशू था, फैमिली मैटर, आप समझ सकते हो। तो इसलिए हम आज स्कूल नहीं गए एंड जस्ट अभी मैं जा रहा हूँ हमारे खेतों की ओर, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े डूंगर है, वहाँ पर बहुत अच्छा सा सुकून है। तो वहाँ पर चलते हैं एंड चलो वहाँ पर का जो नज़ारा है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा भैंस आ रही है जो कि चराने के लिए गए थे एंड ये सभी लोग चरा कर आ रहे हैं घर पर। मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ ना वो जगह बहुत ही डेंजर है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड बहुत ही पहाड़ी विस्तार है, मेरे आसपास बड़े बड़े डूंगर हो एंड यहाँ पर देखो ये रहे बड़े बड़े पहाड़ जो कि कुछ इतने बड़े हैं। और देखो ये रही रास्ता जो कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर है जो गाय भैंस होती है ना उनका शमशान घाट जो कि यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पर उसको दफन करते हैं। मैं वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, शमशान घाट जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट ये रही हड्डी, देखो ये रही, देखो ये जो जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। रात को यहाँ पर कोई नहीं आता लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, अकेला ही आया हूँ। यह रास्ता है, हम यहाँ से जाते हैं। हमारे कुटुंब के अंदर एक गाय मर गई थी तो उसी को जस्ट यहाँ पर दफन किया गया है। एंड देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो नमक के जो थैली आती है ना वो यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर देखो ये बहुत ज़्यादा नमक की थैलियाँ है, देखो ये रही, देखो देखो। और गाइस यहाँ पर वो गाय दफन की गई है, पर देख लो ये जो यहाँ पर देख सकते हो ना यहाँ पर वो गाय दफन की गई है। एंड यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा नमक की थैलियाँ है, एडिमा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड वो वहाँ पर है, वो लकड़ियाँ कुछ कटिंग कर रही है तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वरना आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर आ सकता हूँ अकेला? चलो तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा काम करते हैं, बल्कि ये अपने खेत के लिए कर रहे हैं, इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं इस्तेमाल नहीं करते, खेत के अंदर यूज़ करना है इसलिए। चलो हम इसको लकड़ियाँ को काटते हैं एंड आप देखना। हम यहाँ पर तो आ गए एंड यहाँ पर एक बड़ी सी खीण है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर देख लो, ये देखो ये रही बड़ी सी खीण, जो कि यहाँ पर उतरने के लिए हमारे पास कुछ जुगाड़ है। ओह माय गॉड गाइस देखो तो सही यार, बहुत अजीब खीण है। इस रस्सी से हम उतरते हैं यहाँ पर। इस यहाँ पर मुश्किल ही नहीं मामुमकिन है। ओह माय गॉड, हैं ये बच गया बार बार। कोई यहाँ से वहाँ ऊपर तक जाना है, ऊपर जाना है, इसके लिए हमको कोई रस्सी का उपयोग करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर जा सके। जो रस्सी है ना इसी को मैं ऊपर फेंकता हूँ फिर ऊपर चढ़ता हूँ। जहाँ से मैं ऊपर से चढ़ ही गया हूँ अब एंड बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है यहाँ पर। ये देखो कुबाड़ी जो कि आप समझ सकते हो, चलो ले ठीक ठाक है, ठीक ठाक। तो गाइस चलो अब हम घर जाते हैं एंड ओह माय गॉड, चलो देखो यार कैसा कैसा काम करना पड़ता है हमको। तो गाइस जो भी मेरे को जानता है ना तो मैं सामने मिलूँ ना तो मेरे को कभी बताना मत कि मैंने तुम्हारा ब्लॉग देखा था यार, वरना मेरे को शर्म आएगी शर्म। देते हैं इसी को, बहुत ही ज्यादा भारी है। ओह माय गॉड गाइस यार हम विलेज ब्लॉगर है, सब कुछ तो करना पड़ेगा।
आखिर मजबूरी है। और देखो ये रही सीढ़ियाँ, तो इसकी मदद से हम ऊपर चढ़ते हैं। एंड ये रहा माला, ये माला है माला, देखो अमेजिंग। ये जो बिस्तर है इसी के अंदर हम आराम से सो जाते हैं। यहाँ से सन वो बहुत ही अच्छा रहा है। देखो ये सामने रहा मेरा खेत, देखो इसी के अंदर गेहूं की खेती की गई है। एंड देखो फाइनली गाइस हम यहाँ से अभी घर जा रहे हैं। एंड देखो यहाँ पर जो मकाई होती है ना, इसी के अंदर गाय भैंसी जो जंगली जानवर होते हैं ना वो आ जाते हैं, इसलिए जो शेड़ा है ना शेड़ा इसी को हम बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पर अंदर से जा नहीं पाए। एंड देखो अभी हम घर जा रहे हैं। देखो दिन भी ढालने के लिए आ गया है एक तो वहाँ पर। और आई होप अभी को जो मेरा व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। मैं ले जा रहा था ना वो ऐसी वाड़ बनानी थी, देख लो ऐसी वाड़, समझ रहे ना। तो आई होप जो व्लॉग है वो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।